नमस्कार, मैं हूं प्रखर, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। धनतेरस के दिन इस बार पिथौरागढ़ के बाजारों में बहुत समय बाद रौनक वापस लौटी है, लेकिन ये रौनक अब वैसी नहीं रही जो कोरोना काल से पहले की दिवाली तक हुआ करती थी। महंगाई के चलते जब जहां ग्राहक खरीदारी करने में थोड़ा झिझक रहे हैं, तो वहीं पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के सामने अब ऑनलाइन शॉपिंग ने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। धनतेरस के चलते पिथौरागढ़ के बाजारों में काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से भीड़ भाड़ देखने को मिली। हालांकि ये भीड़ भाड़ वैसी नहीं थी जैसी कोरोना काल से पहले की दीपावली तक हुआ करती थी। ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे ग्राहक महंगे हो चुके सामान की वजह से अपने बजट को ध्यान में रखकर सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि बाजारों में बिक रहा सामान पिछले सालों की तुलना में काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का बजट भी गड़बड़ा गया है। भैया, सामान तो इतना ज्यादा है दुकानों में, वैरायटी बहुत सारे दिखने को मिल रही है, चमक दमक, तो समझ में नहीं आ रहा क्या लूं। ये इतनी अच्छी सारी चीजें हैं इसमें, ये तो महंगी भी बहुत है, एक आम आदमी के बजट से काफी दूर है। अब हम तो ले रहे हैं क्योंकि जॉब करते हैं। अब जो बेचारा पर डे इनकम है जिसकी, जिसको अपना परिवार पालना है, तो वो इतनी महंगी चीजें नहीं खरीद सकता है। जी, खरीदारी करने तो आए हैं, लेकिन सामान वामान बहुत महंगा हो गया पहले की अपेक्षा, तो अपना बजट वजट बैठ नहीं पा रहे हैं। पहले जिस बजट में हम ज्यादा सामान खरीद लेते थे, अब उस बजट में कुछ आ नहीं रहा है मार्केट में। वहीं कोरोना काल से ही मंदी की मार से जूझ रहे दुकानदार अब ऑनलाइन शॉपिंग से परेशान है। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बाजारों की बिक्री में बहुत फर्क पड़ गया है, तो वहीं अब ग्राहक भी सोच समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से साल भर दीपावली का इंतजार कर रहे दुकानदारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है, क्योंकि उन्हें जो पैसा दीपावली का सामान रखने में लगाया था, उसे वसूलना भी अब मुश्किल हो गया है, जिससे दुकानदार काफी निराश है। बेटा, दुकानदारी बिल्कुल भी चौपट है, दुकानदारी कुछ भी नहीं है। इतना टाइम हो गया है, अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया है, कोई दुकानदार, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, दुकानदार कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। लोगों की भीड़ इतनी होती थी, इतने लोग आते थे, यहाँ कोई भी नहीं है। आजकल देख रहे हैं आप, पूरा सब रोड खाली हुई है, गाँव घरों के लोग काम में हैं, पता नहीं क्या क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या कोरोना का डर हो रहा है, या फिर ये ऑनलाइन वाले कर दे रहे हैं हमारा हिसाब सब साफ, हम लोग ऐसे सुनसान बैठे हुए हैं। भैया, मार्केट बहुत डाउन है, ऑनलाइन ने पूरा ही खत्म कर दिया, चौपट कर दिया मार्केट को, और पिछले साल की अपेक्षा इस बार 10% भी मार्केट उठानी है, सब खत्म हो चुका है। तो हम सभी व्यापारियों की ओर से मैं बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन को बढ़ावा ना दिया जाए, लोकल मार्केट में आके आप लोकल खरीदारी करिए, क्योंकि आप, मैंने अभी देखा है जितने भी कस्टमर आए थे, सब ने, कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझसे ऐसा नहीं कहा उसने कि यार भैया मैंने ऑनलाइन माला मंगाई है, ऑनलाइन शुभ दीपावली मंगाई है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो हम जो गरीब वर्ग के, मतलब मिडिल क्लास व्यापारी हैं, जो हम बाहर रोडों में अपना काम कर रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो मुझे, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन को बढ़ावा ना दें। ऑनलाइन से क्या है कि आप चाइनीज माल को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकल जो बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है, वो माल को आप बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मेरे पास जो मैं कैंडल बेच रहा हूँ, यहीं लोकल से बनी हुई है, मोम काफ़ी अच्छा है, फिर भी लोग ले जाने में हिचक रहे हैं, और वहीं ऑनलाइन में जो चाइनीज वैक्स आ रहा है, उसको लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दिए जलाइए और दीपावली अच्छे से मनाइए, हैप्पी दिवाली। आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन अमूमन बाजारों में भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इस वक्त मैं पिथौरागढ़ के सिमलगैर बाजार में हूं, जो यहां का मुख्य बाजार भी है। आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ और सालों की तरह नहीं है, इस वजह से, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से एक तो लोगों के आर्थिक स्थिति थोड़ा सा बदली हुई है, साथ ही ऑनलाइन मार्केट का भी काफ़ी असर हुआ है, जिसकी वजह से दुकानदारी में तो फर्क पड़ा ही है, लोगों को अपने बजट में भी कटौती करनी पड़ रही है। मैं इस वक्त पिथौरागढ़ के एक स्टॉल पर खड़ा हूँ, दिवाली की दुकान इन्होंने लगाई हुई है, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मैडम, पिछले सालों की अपेक्षा और इस साल की अपेक्षा दुकानदारी में कितना फ़र्क पड़ा है?
जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो धनतेरस की सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। उसके बाद काफ़ी डिफरेंस है सर, पिछले साल तक बहुत अच्छा काम चलता था और पिछले साल और भी अच्छा काम चलता था। जब से कोविड का ये दौर आया, अब लोग घर से बाहर, क्योंकि पिछले बार जब दिवाली हुई थी उसके बाद सडनली कोरोना ने फिर से पैर पसारे थे। एक बार स्टॉप होने के बाद फिर और ब्लास्ट हुआ था, तो लोग डरे हुए हैं कि और दोबारा से रस में जाएंगे तो और ज़्यादा फैल सकता है। और रही सवाल मार्केट की, तो पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिससे लोगों का सारा पैसा उस स्कैम पे, बहुत ज़्यादा पैसा डूब गया है, तो इस वजह से लोगों के पास पैसे की कमी है। और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ने तो पूरी मार्केट की बहुत गंदे तरीके से, मार्केट में लोग सब घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं, तो हमारा ग्राहक बाजार तक नहीं पहुँच पा रहा है। कोविड और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा है। तो बाजार में काफ़ी फर्क पड़ा है, दुकानदारी कोविड के कारण और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग के कारण काफ़ी फर्क पड़ा है। लोगों को अपने बजट में भी कटौती करनी पड़ी है क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आप खरीदारी करने आए हैं साहब, किस तरह की खरीदारी आप कर रहे हैं, कितनी कटौती बजट में, क्योंकि महंगाई भी है? सर महंगाई बहुत हो गई है। पहले जो आइटम हम लोग किसी 5 रुपये 10 रुपये में कोई आइटम ये ले लेते थे, अभी उसका 10-2 गुना का फर्क पड़ गया हुआ है। अभी कोई भी आइटम हम लेने जाते थे, पोस्टर भी पहले लेते 10 से 15 रुपये का पड़ता था, अभी 25 या 30 रुपये का पड़ रहा है। महंगाई में बहुत फर्क पड़ गया हुआ है। पहले 500 रुपये का हम आइटम पकड़ के चलते थे, 500 से लेकर 1000 तक दिवाली खरीदारी हो जाएगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है 1500 से लेकर 2000 रुपये तक एक गरीब आदमी के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और महंगाई का असर इतना है कि अभी हम बजट भी काफ़ी डगमगा गया हमारा, खाना पीना राशन, और अभी दिवाली का हो गया, बच्चों के कपड़े लत्ते, तो इससे काफ़ी असर पड़ा हुआ हमारे उसमें। तो लोगों को महंगाई के चलते बजट में भी काफ़ी कटौती करनी पड़ी है और बना कर रखना पड़ा है। आप भी खरीदारी करने आए हैं, किस तरह का फर्क है बाजार में? ये लिया है मैंने भी और बस ठीक ही है, सब बढ़िया है। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए पिथौरागढ़ का पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस के जवान जहां सादी वर्दी में लगातार बाजारों की गश्त कर रहे हैं, तो वहीं जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। साथ ही धनतेरस और दीपावली की भीड़ भाड़ को देखते हुए जिले के ट्रैफिक प्लान में भी कई बदलाव किए गए हैं। आज जो धनतेरस पे हमारे द्वारा जो है आपके गांधी चौक पे एक पूरे पुलिस पिकेट टाइप की लगा दी है, जिसमें हमारे गश्त की पार्टी है। दूसरा हमारा जो है सादे वस्त्रों में भी अभी ड्यूटी लगी है। जो हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था में वन वे पार्किंग तो है ही, और पार्किंग में लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में डालें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।